हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स प्लानेट। फ्रेंड्स, ये हमारा पहला क्लास है रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप का। इसके पहले परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन ये थोड़ा रिलेटेड भी है। बेसिकली रेशियो होता क्या है, जैसे हमने फ्रैक्शन की बात की थी, जैसे 3/4, ठीक है। तो 3/4 क्या हुआ, बेसिकली एक फ्रैक्शन है। अब अगर उसको परसेंटेज में लिखना चाहो तो 75% है, और अगर हम ऐसा लिखें ए और बी दो जने हैं, तो अगर ऐसा लिख दिया तो ये 3:4 या 3/4, तो इसको हम रेशियो बोलते हैं। ये और ये दोनों चीजें सेम ही हैं, ठीक है, पर इसको हम क्या बोलते हैं, 3:4, मतलब ए और बी के बीच में 3:4 का रेशियो है। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर ए के पास 100 रुपए हैं तो बी के पास में 75 रुपए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, रेशो कितना हुआ, 3:4। अब ये मैंने कैसे कहा कि 3:4 है। अच्छा, ए और बी का जो रेशो है वो 4:3 है। तो ये अगर बी और ए का जो रेशो है, यहाँ पे ऐसा करते 75 लिख देते हैं, यहाँ 100 लिख देते हैं। अब ये ए और बी का रेशो क्या है, 3:4, वो कैसे हुआ, 75/100 को अगर सिंपल कर दें तो ये आएगा 3/4, मतलब 3:4, ठीक है। वैसे तो 6ठी 7वीं क्लास में आपने पढ़ा ही होगा, बट थोड़ा फिर भी मैं रिकैप कर लेती हूँ यहाँ पे। तो ये हुआ फ्रैक्शन, ये इसका परसेंटेज, और ये हुआ इसका रेशियो, ठीक है। तो सब आपस में थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। तो अभी कुछ जो बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक फॉर्मूले हैं जो रेशियो प्रोपोर्शन में हम यूज करेंगे, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इज द सेम यूनिट इज अ फ्रैक्शन ए बाय बी एंड इट इज डिनोटेड एज a:b, ठीक है। फ्रैक्शन ही है, खाली उसको हम डिनोट करने का जो तरीका है वो अलग है। हम क्या बोलते हैं उसको, a:b। ओके, अब जैसे ये फ्रैक्शन है ए बाय बी, ये किसके इक्वल होता है, 2a/2b के इक्वल भी होता है, 3a/3b के इक्वल भी होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर ए बाय बी को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो उससे रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, हमेशा a बाय बी वही रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 3/4 हो या 75/100 हो या 150/200 हो, सब सेम ही रेशो है, ठीक है। परसेंटेज भी सेम है, रेशो भी सेम है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रपोर्शन। अगर दो रेशो इक्वल हैं तो उनको हम प्रपोर्शन में कह सकते हैं। जैसे कि अगर ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हो, तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी जो है वो प्रपोर्शन में है। क्या मतलब हुआ इसका, a:b का जो रेशो है वही c:d का है, वही रेशो सी और डी का है। ए और बी का जो रेशो है वही रेशो सी और डी का है। ए बाय बी मतलब a:b, इसकी जो वैल्यू है सी बाय डी, इसकी जो वैल्यू है, दोनों सेम है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें होता क्या है, हम किस किस टर्म को क्या बोलते हैं वो जरा नोट डाउन कर लेते हैं। ए और डी, जैसे यहाँ पे ये ए है और ये डी, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है। लास्ट में आ रही है, फर्स्ट पे प्लेस पे आ रही है, फोर्थ प्लेस पे आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम्स। और बी और सी, इन दोनों को बोलते हैं मीन टर्म्स, ठीक है। अब आप इसको चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, अगर ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, इसका मतलब मीन टर्म्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक्सट्रीम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये चीज तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ये सब क्या होते हैं। अब जैसे ए बाय बी है, तो उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, a²/b², ये इक्वल नहीं है। ए बाय बी का या a:b का डुप्लीकेट रेशियो है a²/b². सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, √a/√b। ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, a³/b³। और सब ट्रिप्लीकेट में क्या होगा, a³/3 √b³/3, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, आपको याद ही रखना है, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी है रेशियो प्रोपोर्शन की, वो है कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगर ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हो, तो a+b/a-b, एक बार इन दोनों का सम डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों का सम डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस, ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, a+b/b इज इक्वल टू c+d/d, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ये है कंपोनेंडो। इसी तरह से a माइनस बी
बाय बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाय डी, ये है डिविडेंडो। अब अगर इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपको ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं। सिर्फ ये है तो कंपोनेंडो, सिर्फ ये है तो डिविडेंडो, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। तो कई बार ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज आती है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हो तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय इन दोनों का आई एम सॉरी इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इसके सिवाय एक प्रॉपर्टी और भी है, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है तो हर रेशियो इक्वल क्या होगा, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, इन दोनों का एडिशन बाय इन दोनों का एडिशन, या फिर इन दोनों का डिफरेंस बाय इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। आप कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के इसको देख भी सकते हो, जैसे 1/2 इज इक्वल टू 4/8 है, ठीक है। अब ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 1 + 4 मतलब 5 एंड 2 + 8 मतलब कि 10, या फिर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, 4 - 1 इज 3 एंड 8 - 2 इज 6, ठीक है। ये भी 1/2 अल्टीमेटली, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये कुछ रेशियो प्रोपोर्शन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो आपको ध्यान रहनी है रखनी है। फिर है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब एक चीज जब बढ़ती या घटती है तो दूसरी चीज पर उसको क्या फर्क पड़ता है। जैसे अगर मैं कहूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, स्पीड अगर आपके पास में समझो डिस्टेंस सेम है, समझो आपको मे बी दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो डिस्टेंस तो सेम ही है दिल्ली बॉम्बे का। अब क्या होगा, अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो टाइम आपको कम लगेगा। ऑब्वियसली अगर 60 की स्पीड पे जाओगे तो मान लिया ये जो डिस्टेंस है 600 किलोमीटर है, तो अगर 60 की स्पीड पे जाते हो तो 10 घंटे लगेंगे, और अगर 100 की स्पीड पे जाते हो तो 6 घंटे लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड आप बढ़ा रहे हो तो टाइम जो है वो कम हो रहा है ना। तो स्पीड और टाइम आपस में इनवर्स वेरिएशन, मतलब अगर एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज घटती है तो वेरिएशन कौन सा हुआ, इनवर्स वेरिएशन। तो यहां पर हम कह सकते हैं अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एस इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, या फिर एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, और अगर टाइम कम होगा तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कहने का मतलब, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा अगर डिस्टेंस सेम है तो, ठीक है। डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले दिल्ली बॉम्बे ले रहे हो बाद में दिल्ली कलकत्ता ले रहे हो, ऐसा नहीं। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, सो दैट इज इनवर्स वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। अब जैसे समझो कोई रेस हो रही है, ठीक है, उसमें आपको टाइम फिक्स है कि भाई आपको समझो 30 मिनट से मिलने वाला है, ठीक है, टाइम आपका फिक्स है। अब क्या होगा, अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि टाइम तो आपके पास कांस्टेंट है, तो जितनी स्पीड आप बढ़ाते जाओगे उतना डिस्टेंस आपकी ज्यादा कवर आप कर सकते हो, ठीक है। और जितनी आपकी स्पीड कम होगी उतनी डिस्टेंस आपकी कम कवर होगी, क्योंकि टाइम आपके पास 30 मिनट्स ही है, ठीक है। सो दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब अगर स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, और अगर स्पीड कम करोगे तो डिस्टेंस भी कम कवर अप होगी क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट है मतलब टाइम फिक्स है कि भाई इतना ही टाइम है आपके पास, आधा घंटा मतलब आधा घंटा ही है, इसमें जितना आप चाहो दौड़ सकते हो या चल सकते हो या गाड़ी चला सकते हो, ठीक है। तो आधा घंटा फिक्स हो गया, तो अगर आप दो जने हैं, मान लिया ए और बी, ये स्पीड 60 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चला रहा है और ये समझो चला रहा है 30 किलोमीटर पर आर के हिसाब से, ठीक है, टाइम दोनों के पास आधा घंटा ही है बराबर, तो ये कितने डिस्टेंस कवर कर पाएगा, 30 किलोमीटर, और ये कितने डिस्टेंस कवर कर पाएगा, 15 किलोमीटर, है ना। तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जिसकी स्पीड कम है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम जब भी फिक्स होगा तो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और रूल्स हैं रेशियो प्रोपोर्शन के, जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर जब हम सवाल करेंगे तो और भी जो जो चीजें या कॉन्सेप्ट यूज आएंगे उस वक्त मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको सवाल देखते हैं, एकदम सिंपल सिंपल सवाल है, जनरली ऐसे सवाल तो वैसे एग्जाम में आते नहीं, पर अपने कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए कर लेते हैं। अभी बोल रहा है ए बाय बी 2:3 है, बी इज टू सी 5:7, तो ए इज टू सी क्या होगा।
अब अगर ए और बी दिया हुआ है और बी और सी दिया हुआ है, तो इसको आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे ध्यान दो, ए बी और सी इस तरह से लिख लो। पहले ए और बी का रेशियो लिख लो 2:3, और उसके बाद बी और सी लिख लो 5:7। अब आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो, 2 5s are 10, 3 5s are 15 एंड 3 7s are 21। तो ये रेशियो हुआ ए इज टू बी इज टू सी। अब आपको ए और सी चाहिए तो 10:21, ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल है। वापस ध्यान दीजिए, 2 3 5 एंड 7, और इस तरह से एरो बना लीजिए, यहां पे ऐसा एरो, ये एरो और ये, 2 5s are 10, 3 5s are 15 एंड 3 7s are 21। फोर्थ प्रपोर्शन टू दिस, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो बाकी दोनों का रेशियो होना चाहिए, तो 3/7 इज इक्वल टू 15/x। अब अगर 3 15 बनता है तो 3 15 कितना है, 5 टाइम्स है, तो 7 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 35। एज सिंपल एज दैट, है ना। यहां पर भी ए इज टू बी दिया हुआ, बी इज टू सी दिया हुआ, ए इज टू बी इज टू सी निकालना, जैसे मैंने ये निकाला आप निकाल सकते हो, ये सवाल भी सेम है, ठीक है। अब यहां पे चार रेशो है, चार वेरिएबल है, ए बी बी सी सी डी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डबल स्टेप करना पड़ेगा। पहले ए ए इज टू बी इज टू सी निकाल लेते हैं, तो ए बी सी एंड डी, तो ये हुआ 8 15, ये हुआ 5 8, तो ए इज टू बी इज टू सी कितना होगा, 8 5s are 40, 15 5s are 75 इज टू 15 8s are 120। अब ये ए इज टू बी इज टू सी हो गया। अब जो डी है वो आप यहां पे लिख लो, सी इज टू डी कितना आपको दिया है, 4:5। तो यहाँ पे सी है 120, यहाँ पे है 4, तो 4 का कितना टाइम 120 हुआ, 30 टाइम्स, तो 5 का 30 टाइम्स कितना होगा, 150। तो ए इज टू बी हमें चाहिए, वैसे तो 40:75 हो ही गया, बट आई गेस यहाँ पे ए इज टू डी चाहिए होगा, तो देख लेते हैं वो कितना होगा, 40:150, मे बी मिस प्रिंट, तो 40:150 मतलब कि 4:15, ठीक है। अभी कह रहा है 2a is equal to 3b is equal to 4c, तो a is to b is to c क्या है। अब अगर 2a is equal to 3b है तो a by b कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है, मतलब a is to b is 3:2, और 3b is equal to 4c है तो b by c कितना हो जाएगा, 4/3, ठीक है, 3b is equal to 4c। तो a is to b is to c आपको निकालना है, ये 3 ये 2 ये 4 ये 3, ठीक है। अब 2 से 4 हो रहा है, मतलब अगर 4 से 2 हो रहा है तो 3 से कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। आप कैसा भी कर सकते हो, या तो इसको डबल कर लो, ये डबल हो गया तो इसको भी आप डबल कर लो, 6:4:3, ठीक है, ये ए इज टू बी इज टू सी हो गया, सिंपल। अभी एक्स इज टू वाई इज 5:2, देन 8x + 9y = 8x + 2y, ये क्या होगा। अब एक्स बाय वाई 5:2 दिया हुआ, तो सबसे सिंपली, क्योंकि हमें सी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें वर्किंग शो नहीं करनी होती है, अब अगर वर्किंग शो नहीं करनी होती है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली सिंपल तरीके से इसको, एक्स को 5 मान लो, वाई को 2 मान लो, और यहाँ पे वैल्यूज रख दो, ठीक है। वैसे इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू 5k और y इज इक्वल टू 2k, बिकॉज हमें नहीं मालूम कि x और y किससे मल्टीप्लाई हो रहे या k की वैल्यू क्या है, पर अगर x इज टू y आप निकालोगे तो ये 5:2 ही होगा, क्योंकि k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या, हमें k की वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वापस आगे भी रेशो ही पूछा है, तो आप क्या करो, डायरेक्टली x की जगह 5 लगा दो, y की जगह 2 लगा दो, तो 8 5s are 40 + 18, 9 2s are 18 अपॉन 8 5s are 40 + 2 2s are 4, ठीक है। तो ये हो गया 58/44, सो ये हो गया 29/22, ठीक है। अभी सवाल में क्या, 15% ऑफ एक्स इज 20% ऑफ वाई, तो परसेंटेज परसेंटेज पहले कैंसिल कर दो। अब 15x = 20y हो गया, तो 5 3s and 5 4s, मतलब 3x = 4y हो गया, तो एक्स बाय वाई कितना हो जाएगा, 4/3, है ना, 4y = 3x, तो x by y कितना हो गया, 4/3, मतलब x is to y कितना हो गया, 4:3, ठीक है। अब ये जो सवाल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया
ये है 4x स्क्वायर। अच्छा, इसमें उल्टा निकालना है आपको, तो उसको भी हम रिवर्स मेथड से भी करते हैं, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। अब जो ऐसे सवाल है ना, इसमें क्या करो, आप ऑप्शन से चले जाओ, ठीक है। वैसे तो सिंपली ऐसे भी जा ही सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। दिस बाय दिस इज इक्वल टू 12 बाय 19। 19 चौक 76x स्क्वायर माइनस 19 त्रिया 57 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x स्क्वायर एंड प्लस 12 पंजे 60 वाई स्क्वायर, ठीक है। तो 76 में से 24 घटाए, कितना एक्स बचा, 57 प्लस 60 कितना बचा, 7 और 6 और 5 11 वाई स्क्वायर, ठीक है। तो 13 चौक 52, 13 नम, तो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर कितना हो गया, 9 बाय 4। तो एक्स वाई बाय वाई वाई कितना होगा, 3 बाय 2, ठीक है। तो ये तो सिंपल मेथड है ही। उसके सिवाय अगर आपको पेपर वर्क नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो कि ऑप्शन में से रख दो वैल्यूज, जैसे एक्स इज टू वाई मान लिया 2:3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर जो है वो क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, तो थोड़ा ऑकवर्ड नंबर है, प्राइम नंबर है, थोड़ा ऑकवर्ड नंबर है। तो अब आप देखो एक्स और वाई की वैल्यू अगर 2 और 3 रखते तो कोई 19 का मल्टीपल आता है क्या, तो क्विकली आप चेक कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर मतलब कि 4 दुनी 8 प्लस ये हुआ 3 या 9 पंजे 45, तो 45 प्लस 8 कितना हो रहा, 53 हो रहा है, ठीक है। तो ये 19 का मल्टीपल नहीं मिलता। तो अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू 2 और 3 के टर्म्स में रखोगे, यहाँ पे 2 या 3 का मल्टीपल रखोगे, तो आपको 19 का मल्टीपल नहीं मिलेगा, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से 1:2:2 रखा तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 4 पंजे 20 हो गया, 22, वो भी नहीं है। अब आप 3:2:2 रखोगे तो क्या हुआ, 3 3 9 2 18 प्लस 5 × 4 20, ये हो गया 38, मतलब 19 का मल्टीपल निकल रहा है, मतलब ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आप इसी चीज को 3 और 2 को ऊपर रखोगे, तो अगर नीचे 38 मिल रहा है तो ऊपर आपको 24 मिल जाएगा, तो सॉल्व करके आपका 12/19 आ जाएगा। वो भी तरीका है, ये भी तरीका है, जो भी आपको सूट करे, जो भी आराम से समझ आ जाए, जो पहले याद आ जाए, वो तरीका आप अपना सकते हो। अभी ये जो क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा अनुपात है जिसके पदों में 40 का अंतर हो और अनुपात 2 और 2/7 हो। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अभी जो डिफरेंस है वो कितना है, 5। वो चाह क्या रहा है, ये जो डिफरेंस है वो 40 का होना चाहिए, मतलब 5 की जगह 40 का होना चाहिए। तो अभी 5 है, मुझे 40 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, 5 8 40 होता है, तो मैं दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 हो गया। रेशियो भी 2:7 है और डिफरेंस जो है वो 40 का है, क्लियर। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर टू मेक द नंबर्स इन प्रोपोर्शन। 10 18 22 38 को समानुपाती बनाने के लिए इनमें कौन सा अंक जोड़ा जाए। अभी ऐसे क्वेश्चन कभी भी आप इक्वेशंस बना करके मत कीजिए, बैकवर्ड चले जाइए। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, 1 जोड़ा, तो ये कितना हुआ, 11 19 23, ठीक है। 11 और 23 का आपस में कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब ये प्रपोर्शन में हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें चाहिए क्या हमें, जैसे इसको अगर मैं पूरा करूं तो 11/19 शुड बी इक्वल टू 23/39। अब 11 कभी 23 का मल्टीपल फैक्टर कुछ भी है ही नहीं, तो ये प्रपोर्शन में हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब अगर देखा मैंने 12 20 24 और 40 हो गया, 12 और 20 का जो रेशियो है, 4 तिया 12 4 पंजे 20, इसी तो वही रेशियो यहां पर भी है, 8 तिया 24 8 पंजे 40, है ना। तो रेशियो सेम हो गया, तो अब ये प्रपोर्शन में हो गए। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग और मेकिंग इक्वेशन, आप इसको बैकवर्ड अप्रोच से कर लो। अब यहाँ पे टर्म्स का डिफरेंस 99 है और रेशियो ये है, तो जो सब मैंने ऊपर किया वैसा का वैसा ही आप खुद से ट्राई कर सकते हो, आंसर दिया हुआ है। अभी कह रहा है दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, इनमें अगर 12 जोड़ा जाए तो अनुपात 3/4 हो जाता है। तो मैं मानती हूं ये नंबर है 5x और 8x, अगर दोनों में 12 जोड़ दिया तो ये नंबर 3/4 हो जाता है, ठीक है। तो मुझे संख्याएं कौन सी है ये पता लगाना है। अब वापस चाहो तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व करो, या बिना इक्वेशन बनाए कैसे सॉल्व करोगे, आप क्या करो, ये कह रहा है कि दो दो नंबर है 5:8 के रेशियो में है, तो पहले तो 5:8 देखो, सारे ऑप्शंस होंगे ही,
ये तो पक्का ही होगा। अब 12 ऐड करो, देखो 3/4 आता है कि नहीं आता। ये 12 ऐड किया तो 37 आ गया, 37/52 आ गया, तो 3/4 हो नहीं सकता। अब इसको देखा मैंने तो ये 22/28 आ गया, तो ये भी 3/4 नहीं है। अब इसको देखा मैंने 27/36 आ गया है ना, तो 9 × 27 9 × 36 हो गया। तो कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लो। आ रही बात समझ में? अब रेशियो प्रोपोर्शन में एजीएस वाले जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। तो उनको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सिंपल तरीके होते हैं, इक्वेशन हमेशा बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं वो आप ध्यान से समझो, मैं 5-10 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी आपके लिए, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अभी यहाँ पे कह रहा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 6:1, ठीक है। अभी जो रेशियो है वो है फादर और सन का 6:1, और 5 साल बाद कितना हो रहा है 7:2। ये जो डिफरेंस है वो क्या है 5 साल का। अब आप क्या करो, इसको इक्वेशन बनाने की आपको जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का है 5 का, यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 5 का, ठीक है। वो 5 और ये 5 अलग अलग है, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। अब अगर डिफरेंस सेम है तो ये प्रॉब्लम बिना इक्वेशन बनाए आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ये कह रहा है अभी रेशो 6:1 है और बाद में 7:2 है, मतलब जो सन का रेशो है वो अभी 1 है, 1 पार्ट है, बाद में 2 पार्ट हो जाता है, लेकिन कितने टाइम के बाद में 5 साल के बाद। इन दोनों पार्ट्स में डिफरेंस कितना है 1 पार्ट का, है ना। तो 1 पार्ट कितने साल लग रहे, 1 पार्ट इंक्रीज होने में 5 साल, मतलब 1 पार्ट इज 5 साल, ठीक है। तो 2 पार्ट कितना होगा 10 साल, 7 पार्ट कितना होगा 1 साल। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में लेकिन पुत्र की प्रेजेंट एज पूछी है, तो वो हमारे हिसाब से है 1 पार्ट, 1 पार्ट मतलब 5 साल, ठीक है। तो बेसिकली ये है 5, ये है 30, और 5 साल बाद ये हो जाएगी 35, और ये हो जाएगी 10, हो गया 7:2 का रेशियो। तो बिना किसी ज्यादा पेपर वर्क के ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये सब लिखना ही नहीं है आपको, इतना ही आपका काम है, क्योंकि उसने पुत्र की एज पूछी जो कि 1 पार्ट है। हमारे हिसाब से 1 पार्ट जो है वो 5 है, तो 1 पार्ट मतलब 5, और सन की एज 1 पार्ट है मतलब 5, ठीक है। अब ओके, इन दोनों की आयु का अनुपात 3:5 है, उनकी आयु का योग 80% है। हमारे यहाँ पे कितना दिखा रहा है योग 8, और ये 8 को 80 कह रहा है, ठीक है। इसका मतलब 3 क्या हुआ 30, और 5 क्या हुआ 50। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 40, और 60 मतलब 2:3, है ना। अब देखो दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 25 घटाया जाए तो उनका अनुपात 35:59 हो जाएगा, तो संख्याएं क्या है। अब दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, या तो क्या है कि सारे ऑप्शन तो 5:7 में होंगे ही पक्का। अब आप देख लो अगर आप 25 घटाते हो तो आपको ये रेशियो मिलता है कि नहीं मिलता। अब देखो 59 यहाँ पे ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में से 25 घटा के देखते हैं हमें 59 या उसका मल्टीपल कहाँ पे मिलता है, क्योंकि एक तो 59 का फैक्टर तो हमें मिलेगा ही नहीं क्योंकि 59 प्राइम नंबर है ना। तो पर डिनोमिनेटर में से घटाते हैं क्योंकि 59 जो है वो डिनोमिनेटर में। तो 77 में से 25 घटाया तो 59 नहीं आएगा, 63 में से 25 घटाया तो भी नहीं आएगा, 56 में से घटाया तो भी नहीं आएगा, 29 आएगा, सॉरी 31 आएगा, 84 में से अगर 25 घटाया तो 59 आएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो सकता है। अब आप 60 में से भी 25 घटाओगे तो 35 आ रहा, मतलब ये आंसर करेक्ट है आपका, ठीक है। तो इसमें तो पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर आपको रेगुलर मेथड से सॉल्व करना है, जो मैंने आपको पहले तरीका बताया उससे सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, अभी रेशियो है 5:7, बाद में रेशियो हो रहा है 35:59। अगर आप डायरेक्टली रेशियो इक्वेट करना चाहते हो तो पहले डिफरेंस सेम करो। यहाँ डिफरेंस कितना 2 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 24 का, है ना। 9 में से 5 गया 4, 5 में से 3 गया 2, तो 2 के डिफरेंस को अगर 24 का करना है तो 12 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा 60 और 84, ये अब नया नया कन्वर्ट हो गया, और ये हो गया 35 और 59। अब ये कितने पार्ट है 25 पार्ट, और हम 25 से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये जो नंबर है वो यही है,
ठीक है। तो रेशो जैसे ही आप इसको, ये जो डिफरेंस, उसको जैसे इसके बराबर किया, आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? When one is added to each of two numbers, the ratio is 1:2. When 5 is subtracted from each of them, the ratio is 5:11. Okay. सबसे पहले है 1:2, ठीक है। अब इसमें अगर 1 हमने ऐड किया, एक काम करते, थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेती हूँ। सबसे पहले क्या है, रेशियो जो है वो है 1:2। इसमें अगर एक ऐड किया तो रेशियो कितना आ जाता है? When one is added to each of the numbers, the ratio is 1:2. Okay. ये जो रेशियो है वो हमें पता नहीं है, उसमें 1 ऐड, मान लिया x:y है, इसमें 1 ऐड करने के बाद में ये आ रहा है, ठीक है। और अगर 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके ऊपर की तरफ 5 आएगा। एक सेकेंड, तो ये हो गया x y 1:2, ये 1 ऐड करने पे आ रहा है, और जो इसके पहले जो रेशियो है उसमें ये 5 ऐड करे तो ये रेशियो आ रहा है, मतलब वो रेशियो है 5:11 का, ठीक है। तो 5:11 में अगर 5 ऐड करे तो ये रेशियो आता है, इसमें 1 ऐड करे तो ये रेशियो आता है। ये डिफरेंस कितना हो गया, 5 और 1 6, ये टोटल डिफरेंस हो गया 6 का, है ना। वापस हम रेशियो इक्वेट करते हैं, ये कितना है, 5 और 11 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो अगर मुझे इसको 6 का डिफरेंस करना है तो मैं इसको क्या करूंगी, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी। तो ये नया कितना हो गया, सी ये वाला है 5:11, ये है एक्स वाई, अब ये नया कितना हो गया, 6 और 12। हमारे हिसाब से ये जो डिफरेंस है वो 6 का है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो डिफरेंस 6 का है, लेकिन हमको ये एक पार्ट दिखा रहा है 5 और 6, तो इसका मतलब एक पार्ट जो है वो 6 के बराबर है। इसका मतलब 6 पार्ट जो है वो 36 के बराबर है और 12 पार्ट जो है वो 72 के बराबर है, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है, ये जो नंबर मिलते हैं वो एक जोड़ने के बाद मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें x और y पता करने, तो वो क्या होगा, 35 और 71। तो द्वितीय संख्या क्या है, तो 71। देखो आप, बिना कोई भी इक्वेशन बनाए आसानी से सवाल सॉल्व हो रहा है ना। अब ये सवाल देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से एक घटाया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है, और भिन्न के अंश में और हर में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है, भिन्न का अंश क्या होगा। अब ये सवाल जो है, ये भी जो है वो एज वाले जो प्रॉब्लम है उसकी तरह ही है, ठीक है। जैसे पहले एज का रेशियो मान लिया जो भी था, अगर उसमें से 1 साल पहले जो रेशियो था वो ये था और 1 साल बाद जो रेशियो है वो ये होगा, 1 घटाना मतलब 1 साल पहले और 1 जोड़ना मतलब 1 साल बाद, ठीक है। तो ये सवाल भी हम उसी तरह से कर सकते हैं। अब मान लिया जो भी भिन्न है वो यहां पर है, जो भी फ्रैक्शन है वो यहां पर है, उसमें से समझो मैंने ये एक्स और ये वाई हो गया, इसमें से अगर 1 घटा दे मतलब 1 साल पहले रेशो क्या था, 1:3, ठीक है, और 1 साल बाद रेशो क्या है, 1:2। ये 1 साल पहले है और ये 1 साल बाद है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 साल का या 2 का, ठीक है, 2 साल या 2। यहाँ पे अभी जो सवाल है नंबर का है तो मैं साल की जगह 2 यूज करूंगी, बट कंसेप्ट जो है वो सेम ही है। अब क्या करते हैं, ये अगर डायरेक्ट कंपैरिजन करना है तो वैसे ही तरीका लगाएंगे, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का ही है, तो इस डिफरेंस को अगर मुझे डबल करना है तो मैं क्या करूंगी, 2 का करना है तो क्या करूंगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगी। तो पहले 1:3 का डिफरेंस है, अभी 1:3 रेशियो है, अभी 2:4 है, ठीक है ना। अब देखो यहां भी 2 का डिफरेंस हो गया, यहां भी 2 का डिफरेंस हो गया। अब ये जो डिफरेंस है ये कितना है, 2 का। हमारे हिसाब से 3 और 4 में कितना डिफरेंस है, 1, लेकिन इसके हिसाब से ये डिफरेंस कितना, 1+1 2, मतलब 1 पार्ट। ये जो 3 से 4 है वो है 1 पार्ट इज इक्विवेलेंट टू 2, ठीक है। अब 1 पार्ट इज इक्विवेलेंट टू 2, दैट मीन्स 2 पार्ट इज 4 एंड 4 पार्ट इज 8, मतलब ये जो नंबर है वो क्या है, 4 और 8, ठीक है। लेकिन ये नंबर कब आ रहे हैं, जबकि 1 जोड़ा जा रहा है, एक्स और वाई में 1 जोड़ा जा रहा है, तो बिना जोड़े क्या होंगे, ये 3 और 7, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, न्यूमरेटर क्या होगा, अंश क्या होगा, तो क्या होगा, 3, एकदम सिंपल। अगर डिनोमिनेटर पूछा होता तो 7, ठीक है, तो एकदम आराम से हो गया। इसी तरह से अब यहां पर नंबर का रेशियो दिया हुआ 3:5। If 9 is subtracted from each, the new numbers are in ratio 12:23. तो ये जो है डिफरेंस ये है 9 का।
अब 12 और 23 ये जो डिफरेंस है वो कितने का है? 11 का। 3 और 5 ये डिफरेंस कितने का है? 9 का। सॉरी, ये 13 है बाय मिस्टेक। अच्छा, ये जो नंबर है 12:13, ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 3:5 से जो है 12:13 बड़ा है। तो अगर 3:5 में से अगर 9 घटाएंगे तो 12:13 तो आ नहीं सकता। तो ये मेरे हिसाब से 23 ही होना चाहिए, तो हम इसको 23 लेके ही चलते हैं। ठीक है, अब यहां जो डिफरेंस है वो 11 का, यहां डिफरेंस 2 का है। ठीक है ना, तो अब दो तरीके हैं आपके पास में। या तो आप ऑप्शन से चले जाओ, देखो कि ऑप्शन में, क्योंकि इसने पूछा छोटा नंबर कौन सा है, तो छोटा नंबर जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो 3 का मल्टीपल में ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब 27 और 33 बचा। अगर छोटा नंबर 33 है तो बड़ा नंबर कितना होगा? 55 होगा। अब 33 और 55 में से 9 घटा के देख लो। 33 में से 9 घटाया तो 24 आया, 55 में से 9 घटाया तो 46 आया। मतलब ये हो गया 12:23 का रेशियो, मतलब ये आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और अगर आपने इसकी जगह पहले ये चूज किया होता तो भी पता चल जाता। 27 में से 9 घटाया तो 18, और अगर ये छोटा नंबर 27 है तो बड़ा नंबर जो होगा वो 45 होगा। 45 में से 9 घटाया तो 36, तो ये जो रेशियो है वो 12:23 का नहीं बैठता। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। और अगर ऐसा करना है तो इसमें क्या हुआ, अब यहां जो डिफरेंस है वो 11 का, यहाँ डिफरेंस 2 का है, तो मैं क्या करूंगी, 5.5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो जो डिफरेंस है वो यहां पर भी 11 का हो जाएगा। तो 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, और 16.5, 5 5 25, 27.5। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है वो हमारे हिसाब से 4.5 है ना, 23 से 27.5 हमारे हिसाब से 4.5 है, लेकिन इसके हिसाब से 9 है। मतलब डबल हो रहा है, तो जो हमारे एक्चुअल नंबर होंगे वो क्या होंगे, इसके डबल। तो 16.5 का डबल कितना हुआ? 33, और इसका डबल कितना हुआ? 55। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। जो दो नंबर है 1:2 के अनुपात में है, 7 ऐड करें तो रेशो 3:5 हो जाता है। अब तो बहुत सिंपल, 1:2 कर दिया, 3:5 कर दिया। यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है, तो मैं इसको डबल कर देती हूँ, तो ये 2 और 4 हो गया। ठीक है, जब आप रेशो को चेंज कर देते हो उसके बाद आप यही नंबर यूज करो, पुराना रेशो जो है वो भूल जाओ। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्या है, 1 पार्ट, और ये कह रहा है कि ये 7 है, तो हमारे हिसाब से 1 पार्ट जो है वो 7 के बराबर है। ठीक है, तो 2 पार्ट कितना होगा? 14। 4 पार्ट कितना होगा? 28। अब दो संख्या, बड़ी संख्या कौन सी, तो कौन सी है? 28। सिंपल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से काम हो रहा है ना। ₹1210 ए बी सी और में बांटे गए, ए बी और सी में बांटे। ए और बी का रेशो 5:4 है, बी और सी का रेशो 9:10 है। ठीक है, तो सी को क्या मिलेगा? अब देखो दो तरीके हैं, एक तो पहले आप A:B:C निकाल लो। तो जैसे मैंने आपको बताया था, 5 4 और 9 और 10, ठीक है, तो ये हुआ 5 9 45 2 4 9 36 2 6 4 10 40। ठीक है, अब ये हुआ 4 और 3 7 और 4 11 और 110 और 11 121, ये है 121, और हमको बांटना है ₹1210, तो एक एक जीरो ही और लगाना है, तो ये हो गया। ठीक है, तो सी का पैसा कितना हुआ? 400। आई थिंक ये बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि इससे सिंपली काम हो रहा है आपका, है ना। अब इसी तरह से इफ रुपीज 510 बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट ए गेट्स 2/3 ऑफ वॉट बी गेट्स एंड बी गेट्स 1/4 ऑफ वॉट सी गेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी का जो रेशियो है वो क्या है? 2:3, और बी इस टू सी का रेशियो क्या है? 1:4। तो ये हम वापस उसी तरीके से कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2:3:12। ठीक है, तो अब एक तरीका आप क्या, आप आंसर मैच कर लो कि भाई जो ये 2, 3 और 12 के रेशियो में होने चाहिए। ठीक है,
तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, 150 जो है 12 का मल्टीपल नहीं है। दूसरे वाले में क्या हो गया, ये 6 गुना होना चाहिए, देखो 6, 9 और 36, तो 20, 30 दूनी 60, 30 या 90 और 30 12, तो ये सेकेंड वाला आंसर करेक्ट हो गया, है ना। ये 2:3:12 में ही है, और अगर वैसा नहीं करना है तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये टोटल है 17 और ये है 510, तो 17 का डिवीजन ये है, तो 510 का क्या होगा, 510 17 का 30 गुना है, तो सबको 30 30 गुना कर दो, हो गया आपका काम, है ना। तो ये सब इस तरह से आराम से आपके हो जाएंगे। ए को बी का 1/2 मिला, सी को बी का 2/3 मिला, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप पहले रेशियो में कन्वर्ट करके अपना काम कर लो, ठीक है। अब पूर्ण अंक जिनका योग 72 है, इनमें से किस अनुपात में नहीं हो सकते। देखो, एक नंबर मान लिया एक्स है और दूसरा जो है वो वाई है, ठीक है। तो x:y, ये जो है, ये उनका जो जो दो नंबर है उनका रेशियो मान लिया x:y है। अब अगर रेशियो x:y है, इसका मतलब वो नंबर क्या हो सकते हैं, कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल होगा, के एक्स एंड के वाई। जैसे मैं मान लू 3 और 6 है, कोई भी रेशियो 3:2 है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल है, ये नंबर जो है वो 2 का मल्टीपल, लेकिन कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। जिस नंबर से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसी नंबर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि मैं कह सकती हूँ 6 और 4, इसका मतलब ये है 2:3, ये है 2:2, तो ये दो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब मैं ये जो नंबर है इनको के एक्स और के वाई लिख सकती हूँ। अभी के एक्स और के वाई इन दोनों का जो सम है वो 72 है, इसका मतलब के एक्स प्लस वाई इज 72। इसका मतलब जो 72 है उसके फैक्टर एक्स प्लस वाई और के दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब जो आपका आंसर है, जैसे एक्स प्लस वाई क्या हुआ, जो 5:7 है, ये जो है वो क्या 72 का फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर दोनों मिलके ही 72 बना रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों जो नंबर है वो 72 के फैक्टर होने चाहिए, है ना। मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 72 अगर आता है, तो ये दोनों जो नंबर है वो 72 के फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो x प्लस वाई, अब देखो 7 और 5 12, ये 72 का मल्टी फैक्टर है। 5 और 3 8, ये भी 72 का मल्टी फैक्टर है। 3 प्लस 4 7, 7 जो है 72 का फैक्टर नहीं है। तो अगर x 3 है, जो y है वो 4 है, तो कभी भी कोई सा भी आप k ले लो, k कोई भी होल नंबर होगा, कोई सा भी ले लो, लेकिन 72 कभी भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे 9 भी 4 प्लस 5 9 भी 72 का फैक्टर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 7:8। इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी 20 एंड 10%, वॉट विल बी द न्यू रेशियो। अभी जो रेशियो है वो क्या है, 7 और 8, बॉयज एंड गर्ल्स 7 8, ठीक है। अब बॉयज जो है 20% बढ़ गए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 7:1.2 कर देते हैं। 7 को अगर 20% बढ़ाना है तो क्या करना है, उसमें उसको 1.2 कर दो, है ना। और ये मैंने आपको परसेंटेज में सिखाई दिया है। और गर्ल्स 10% बढ़ गई, तो गर्ल्स को हम 8:1.1 कर देते हैं। ये डेसिमल हटा दो दोनों साइड से। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, क्योंकि आपको क्या करना है, एक्चुअली रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो। तो ये जो क्या, 4 3 12, 4 2 8, ये हो गया 7 21/22, ठीक है, सिंपल है। एक राशि एबीसीडी को इस रेशियो में बांटी जाती है। यदि सी को डी से ₹1,000 अधिक प्राप्त होते तो बी का हिस्सा कितना है। अब देखो, ये ए बी सी और डी, सी और डी में डिफरेंस कितना है, एक पार्ट का, ठीक है। और ये एक पार्ट जो है वो क्या है, 1,000। ये पूछ रहा है बी का शेयर क्या है, बी का शेयर कितना है, 2 पार्ट। अगर एक पार्ट 1,000 है तो 2 पार्ट कितना होगा, ₹2,000। कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं है ना। स्कूटर और टीवी के प्राइस है 7:5 के रेशियो में। स्कूटर ₹8,000 ज्यादा है, हमारे हिसाब से स्कूटर और दोनों के भाव में कितना फर्क है, 2 पार्ट, और ये कह रहा है 8,000, इसका मतलब 2 पार्ट जो है वो 8,000। तो टीवी की प्राइस कितनी होगी, 5 पार्ट। अगर 2 पार्ट 8,000 है तो 1 पार्ट 4,000 हुआ, तो 5 पार्ट कितना हुआ, 20,000, है ना। ए और बी की आयु 3:1 के अनुपात में है, 15 साल बाद उनकी आयु 2:1 हो जाएगी, ओके। तो
तो अभी यहाँ डिफरेंस कितने का है, दो का है, हमारे यहाँ पे डिफरेंस कितने का, एक का है, तो मैं इसको काट के डिफरेंस जो है वो दो का कर देती हूँ। ये दो का डिफरेंस हो गया, हमारे हिसाब से ये है 1 पार्ट और इसके हिसाब से है ये 15 साल, है ना। तो इसका मतलब 1 पार्ट हुआ 15 साल। अब अगर 1 पार्ट 15 साल है, इसका मतलब ये है 15 साल और ये है 45 साल, तो अभी उनकी उम्र कितनी हुई, 45 साल और 15 साल। सिंपल, कुछ पेपर वर्क की ज्यादा जरूरत नहीं, आराम से काम हो रहा है। अब ये ए इज टू बी, बी इज टू सी, सी इज टू डी दिया हुआ, तो ए बी सी डी आपको चाहिए। अब देखो जो डी है, सी इज टू डी का रेशियो क्या, 6:7, तो ये तो कंफर्म है कि डी जो है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन है आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया, है ना। अब इन दोनों सी और डी में रेशियो 6 और 7 का है, तो आप देख लो सी और डी में रेशियो 6 और 7 का काम बैठता, 30 35, तो ये एक और एलिमिनेट हो गया, है ना, क्योंकि 5 6 30, 5 7 35, तो यहां पर 15 तो आ ही नहीं सकता। तो अगर आपको मतलब बैकवर्ड भी जाना है तो आप जा सकते हो, ठीक है, ये दो और एलिमिनेट हो गए। अभी बी और सी का रेशियो 4:5 है, तो जो बी है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये जो बी है वो 4 का मल्टीपल नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब ये देखो ए और बी जो है 2:3, तो 8 2 16, 8 3 24, 20:2 सी 4:5, तो 6 4 24, 6 5 30, एकदम परफेक्ट आंसर हो गया। ये मैं इसलिए नहीं देख रही कि यहाँ पर आंसर ये लिखा हुआ, मैंने इसलिए तीनों आपके सामने एलिमिनेट कर दिए कि हम यहाँ तक कैसे सही पे पहुंचे, ठीक है। ये आंसर सिर्फ आपकी हेल्प के लिए लिखे हुए हैं, अगर आप ये प्रॉब्लम खुद ट्राई करना चाहते हैं तो खुद ट्राई कर सकते हैं, सेशन पॉज करके खुद ट्राई करके आंसर निकाल के यहाँ से मैच कर लो, ठीक है। अभी यहाँ पर फर्स्ट टू सेकेंड का रेशियो 2:3 है, सेकेंड टू थर्ड का रेशियो 5:8 है, ये 2:3 5:8, या तो ऐसे चले जाओ 10 15 और 24, ठीक है। दूसरा नंबर जो है वो 15 का मल्टीपल होना चाहिए, देखो 15 का मल्टीपल एक ही आंसर है यहाँ पे, 30, ठीक है, तो ऐसे आप आराम से काम कर सकते हो। तो बहुत सारे तरह के सवाल हमने इस क्लास में किए, अगले क्लास में और भी बहुत सारे तरह के सवाल लेंगे हम, जिसमें एक तो इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस होते हैं कि आदमियों की सैलरी इस रेशियो में है और खर्चे इस रेशियो में है, तो किस तरह से सेटिंग होती वो वाले हैं। प्लस जो रेशो में, रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में मिश्रण के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मिक्सचर जिसमें दूध पानी का ये मिक्सचर है, और पानी डाल दिया तो, और दूध डाल दिया तो नया रेशो ये होगा, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सेशन आप अच्छे से रिवाइज करो, अगले सेशन में हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। पर ये सेशन अच्छे से पढ़ के ही आप नेक्स्ट क्लास में आओ, ताकि इस सेशन के जो कंसेप्ट हम यूज करें अगले क्लास में, तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। बाय।